और एक तरफ आप, मतलब किस तरह कैसी धड़कने आपकी तेज हुई हुई थी जब फुलाड को आप फेस करें? नहीं, धड़कने तो तेज थोड़ी बहुत थी, लेकिन कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि इंशाल्लाह ताला, रन जितने ज़्यादा नहीं थे तो कॉन्फिडेंट था कि इंशाल्लाह ताला अपनी टीम को जिताऊंगा, अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब हूँ। हसन, अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो एक पाकिस्तान टीम का एंड हुआ, तो वो जितना एक्सपीरियंस आप लेकर आए न्यूजीलैंड से, तो यहाँ आज काम आया? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस वो भी था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे डग आउट में जिस तरह इतने बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं, उन लोग के साथ थोड़ा सा भी टाइम गुजार लो तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही इतना ज़्यादा हो जाता है, तो वो उनके एक्सपीरियंस का भी बहुत फ़ायदा हुआ कि उन्होंने बहुत हौसला दिया और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से आज कामयाबी मिली। इस परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है बस हम कोशिश करेंगे कि जो विनिंग स्ट्रीक है हमारी उसको हम बरकरार रखें और इसी तरह अच्छा अच्छा खेलते रहें, बाकी क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि जिस तरह हम खेलते आ रहे हैं इसी तरह खेलते रहें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। जी, अंडर 19 की बात करें तो हमारे उसमें जो प्लेयर्स खेले तो ज़्यादातर पहली बार ही खेल लेते हैं, और मैं जो था वो पहले भी PSL खेल चुका हूँ, तो ये मेरा सेकंड एडिशन है, तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं पिछली बार भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर चुका हूँ, तो अपने ऊपर था कॉन्फिडेंस कि इंशाल्लाह ताला जब भी मौका मिलेगा अपनी टीम को जिताऊंगा। सन, आज विव की बर्थडे थी तो कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुई बिफोर गोइंग टू ग्राउंड? बस ये सर कि हमने गिफ्ट दिया एक तरीके से ये कह सकते हैं, और सर की बर्थडे थी उसका उनका अच्छा गिफ्ट मिला जीत की शक्ल में। सन, पेप के साथ बैठना या उससे पोजीशन लेना बड़ी बात होती है, लेकिन आज उसने आके आपको हक किया? जी, मैं जैसे पहले भी कहा कि हमारे डगआउट में इतने बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं, तो अगर आपसे थोड़ी सी भी बात कर लेते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है, तो जिस तरह वो आए ग्राउंड में उन्होंने आके हक किया और मेरी एक जो खुशी थी एक तरीके से कह सकते हैं डबल हो गई, और एक इतने बड़े लेजेंड आपके साथ अगर आए इस तरह तो मैं नहीं समझता इससे अच्छी कोई फीलिंग हो सकती है। प्रेशर में आके एक सिक्सर लगाना मैच फिनिश करना चाहता है, उसके बाद खिलाड़ी की खौफ बढ़ जाती है, वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं देखता बल्कि देखता है कि उसको नेशनल स्टार भी लग जाएगा, वो अपने आप को डिलीवर करा देने लग जाता है, तो खौफ बढ़ी है इस एंट्री के बाद से वो पास जो टीम तक लेके जाएगा? देखें, अभी स्टार्ट है और इसी तरह इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करता रहूँगा अपनी टीम के लिए, जहाँ भी खेलूँगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर खेलूँगा, और कोशिश यही करूँगा कि डाउन टू अर्थ रह के अपनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस करता रहूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में जो भी हो। थैंक यू।